नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा, वी केयर वी शेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर की, जिसका नाम है ओसीडी। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब कोई भी ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आपकी आम जिंदगी खराब हो रही है और उसकी वजह से आपको एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। ओसीडी के बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि 100 में से लगभग 2 या 3 लोग ऐसे होते हैं जिनको ये परेशानी होती है, चाहे वो इसके लिए हेल्प लें या ना लें। ये परेशानी आमतौर पे तो जानलेवा नहीं होती है, लेकिन बहुत ही परेशान करती है और बहुत समय का बर्बादी करती है, क्योंकि इस परेशानी में 50 से 70% लोगों को डिप्रेशन भी होता है, तो कभी कभार रेयरली उनको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। तब ये जानलेवा बन जाएगी, लेकिन वो होगा ऑब्सेशन की वजह से। और ये जो परेशानी है लगभग 20 साल की उम्र में स्टार्ट होती है, लेकिन कुछ को 40-50 में भी हो सकती है, और छोटे से छोटे बच्चे में अगर देखा जाए तो 5, 10 या 2 साल के बच्चे में भी रेयरली ये परेशानी हो सकती है। इसमें 2 बड़े पार्ट्स हैं, एक है ऑब्सेशन और दूसरा है कंपल्शन। ऑब्सेशन रिलेट करता है हमारी सोच से और कंपल्शन रिलेट करता है हमारे बिहेवियर से। अगर मैं एक छोटा एग्जांपल दूं, उसके बाद हम लैबोरेट करें, तो जैसे कईयों को सफाई की बहुत चिंता होती है, वो सफाई की इतनी चिंता करते हैं कि वो साफ चीज़ों के बारे में भी ये सोचते हैं कि वो गंदी हैं। जब वो सोच रहे हैं तो ये है ऑब्सेशन। जब वो जानते हैं कि ये गलत है, उसके बावजूद भी अगर उनको वो धो देते हैं, तो ये है बिहेवियर। जैसे हाथों को बार बार धोना, लोग मोबाइल भी धो देते हैं, लोग स्विच बोर्ड्स भी धो देते हैं, तो वो हो गया कंपल्शन, जिसके हम बाद में और भी एग्जांपल लेंगे। पहले मैं आपको ऑब्सेशन समझाता हूँ। ऑब्सेशन के 4 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है माई ओन थॉट्स विच आर इरैशनल विच आर ईगो डिस्टॉर्निंग। इसका मतलब मेरे अपने विचार जो बेकार, जो मैं भी समझता हूँ कि गलत है। जैसे मुझे लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, लेकिन मेरे हाथ तो साफ हैं, इसलिए ये विचार बेकार है और ये गलत है। दूसरा पॉइंट, दिस थॉट कम्स रिपीटेडली, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार आता है कि हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं, तो रिपीटेडली। तीसरा पॉइंट है नॉट एबल टू रिजिस्ट, ये समझते हुए भी इस चीज को रोक नहीं पाना, क्योंकि हमारे मन में अगर कोई गलत विचार आता भी है तो हम उसको रोक सकते हैं, बट यहाँ पे हम उस विचार को रोक नहीं पाते। इसकी वजह से चौथा पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस या परेशान होना, कितना परेशान होना कि आपको एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। इसका मतलब अगर आपको दिन में रोज 1 घंटा बर्बाद करना पड़ता है और ऐसा कम से कम 2 हफ्ते तक होता है, इसका मतलब आपको ओसीडी है, ऑब्सेशन है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑब्सेशन की वजह से कंपल्शन भी होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ ऑब्सेशन ही होता है, बट अक्सर ये देखा गया है कि ये दोनों इकट्ठे होते हैं। ऐसे किसी के मन में विचार आता है कि उसके हाथ गंदे हैं, तो हो सकता है कुछ लोग हाथ को धोएं और कुछ लोगों को सिर्फ विचार ही आए वो उसको ना भी धोएं। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है, लोग 1 बार नहीं 2 बार नहीं 15-15 20-20 बार हाथ धोते हैं, 1 या 2 दिन में ही वो साबुन खत्म कर देते हैं, नहाने में वो 1 से 3-3 4-4 घंटे लगा देते हैं, और उसके बाद भी उनका तसल्ली नहीं होती, पानी की टंकी खत्म हो जाती है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, पड़ोसी परेशान हो जाते हैं, पेशेंट खुद परेशान हो जाता है, कुछ लोगों के तो हाथ में कट पड़ जाते हैं, कुछ लोग तो जब दिखाने आते हैं तो वो नहा धो के ही आते हैं, और क्लिनिक में दोबारा जब घर जाते हैं तो वो दोबारा नहाते धोते हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, अपने बच्चों को भी अपने पास नहीं बैठने देते, घर में रिश्तेदारों को नहीं आने देते, चप्पल या जूता घर में नहीं आने देते, अगर कोई उनके बिस्तर पे बैठ जाए तो उस बिस्तर को भी दोबारा धो देते हैं, बेडशीट्स को भी दोबारा धो देते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ये बीमारी लगने में तो बहुत छोटी है, और पेशेंट भी कई बार काफ़ी लंबे समय से परेशान होता है तो समझ नहीं पाता, बट ये है कि अब गूगल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तो काफ़ी लोग अब इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन पहले हमारे टाइम में तो ये बोला जाता था कि 5 से 20 साल लग जाते हैं पेशेंट को डॉक्टर के पास आने के लिए। ओसीडी के कुछ और प्रकार भी होते हैं। उसके अलावा होता है डाउट। डाउट क्या होता है, जैसे मैंने गैस का नॉब बंद किया कि नहीं किया, मैंने ठीक से ताला लगाया या नहीं लगाया, ऐसा डाउट होना, ये है ऑब्सेशन। जब आप एक्चुअली गए और आपने ताले को चेक किया, खींचा, फिर आप पे वापस गए, फिर दोबारा गए ताले को गए और खींचा, तो ये हो गई चेकिंग, जो कि पार्ट हो गया कंपल्शन का।
तो ऑब्सेशन सोच है, कंपल्शन जो है उसका बिहेवियर कंपोनेंट है। इसके अलावा और चीजें होती हैं, इंट्रूसिव थॉट, मन में गलत गलत विचार आना, बार बार आना। ऐसे किसी को आता है कि मैं अपने बच्चे को धक्का ना मार दूं, किसी को आता है कि मैं चक्कू किसी को मार ना दूं, ऐसा वो कुछ करते नहीं है बट फिर भी ये विचार उनके मन में आते हैं। कुछ पेशेंट्स को तो सेक्स को लेके, भगवान को लेके विचार आते हैं कि भगवान के साथ वो कुछ गलत काम कर रहे हैं और वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। कभी कभार तो कुछ केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों ने शर्म के मारे मरने की भी कोशिश की है, क्योंकि उनको लगता है कोई अभिशाप है, कुछ ऊपरी हवा का चक्कर है और ये वो। और एक और होता है सिमेट्री। सिमेट्री मान लीजिए ये एक नोट है, तो वो बोलेंगे नहीं ऐसे रखना है, नहीं ऐसे रखना है, ये ऐसे रखना है, ऐसे करना है, इसी में समय वेस्ट हो जाएगा कि ये जो मोबाइल है ये ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। तो ये जो परेशानी है इसका इलाज संभव है। इसको ठीक होने में दवा से 2 से 3 महीने लगते हैं, या काउंसलिंग कराएं तब भी लगभग 3 से 6 महीने लगेंगे, और इसका इलाज जो है वो लगभग साल भर के लिए चलता है, उसके बाद हम दवा बंद कर देते हैं। अगर पेशेंट ठीक रहता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो हो सकता है कुछ लोगों को दवा काफ़ी लंबी चलानी पड़े। तो ये वीडियो बनाने के लिए मनोज गोला जी ने काफ़ी बार कमेंट्स में डाला था नीचे, तो ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है। आप भी अगर चाहते हैं किसी और बीमारी के बारे में जानकारी में, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसके बारे में भी वीडियो बनाएं। और अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।